बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर खेद जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। बीएसपी नेता रामचंद्र गौतम ने साधना सिंह के खिलाफ चंदौली के बबूरी थाने में केस दर्ज करवाया। यूपी के फतेहपुर में साधना सिंह के बयान के खिलाफ एसपी और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पुतला भी फूंका। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मुगलसराय की रैली में मायावती पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो ना नर लगती हैं और ना ही नारी। बीएसपी ने बयान की निंदा की थी। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने साधना सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा देश की महिलाएं इस अपमान का जवाब बीजेपी को वोट की चोट से देंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा देश के लोग अत्याचारी शासन से मुक्ति चाहते हैं, जनता को 100 दिन में मोदी सरकार से आजादी मिल जाएगी। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा महागठबंधन भ्रष्टाचार, नकारात्मकता और अस्थिरता का गठबंधन है, हार के लिए ईवीएम में खराबी जैसे बहाने ढूंढने लगते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का महागठबंधन पर तंज, कहा पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं, देश में अराजकता फैलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा सरकार के पैसों पर गुंडे पालती हैं ममता बनर्जी, महागठबंधन में घूसखोर और चोर मौजूद है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का महागठबंधन पर निशाना, बोले जिनको इकट्ठा होना है हो जाए, चुनाव में हम सभी को धूल चटा देंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कोलकाता में ममता की महारैली पर तंज कसा, बोले विपक्ष को दिनों के हिसाब से अलग अलग प्रधानमंत्री बनाने होंगे और 2 दिन की छुट्टी में राहुल का नंबर भी आए। ममता की महारैली में एसपी नेता आजम खान नाखुश, कहा मुस्लिम समाज की अनदेखी की गई, असम और कश्मीर के अलावा किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। दिल्ली के रैली में बोले शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27 सीटें जिताऊंगा, आप यहां 7 सीटें जिताएं। असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने नागरिकता बिल को लेकर कहा राज्य में इसे लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, इसमें मूल निवासियों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। असम गण परिषद के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे जेडीयू नेता केसी त्यागी और प्रशांत किशोर, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश होने पर इसका विरोध करेगी जेडीयू। केंद्र सरकार ने असम के नागरिकता संशोधन बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को बिना वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। प्रयागराज में कुंभ में पौष पूर्णिमा के दिन होने वाला विशेष शाही स्नान आज है और 55 से 75 लाख श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज बोले राम मंदिर मुद्दे पर कुंभ मेले के बाद करेंगे संतों से मुलाकात। सबरीमला मंदिर के कपाट बंद किए गए, हर साल 2 महीने के लिए खोले जाते हैं मंदिर के कपाट, बीजेपी मंदिर में महिलाओं की एंट्री के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को चिट्ठी लिखी, करतारपुर साहिब के लिए रखी है कुछ अहम मांगे। 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, पीडब्ल्यूसी वैश्विक रिपोर्ट से खुलासा, पिछले साल भारत का 6ठा नंबर। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में बोली कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, अब अमेरिका यूरोप की तरह भारत में भी कपड़ों के अपने मानक साइज होंगे। कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस विधायक जेएन गणेशन और आनंद सिंह में मारपीट, आनंद सिंह को अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जख्मी विधायक आनंद सिंह की पत्नी ने आरोपी विधायक जेएन गणेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में बीजेपी के देहात मंडल के महामंत्री वकील सिंह की पीट पीट कर हत्या। एमपी के बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की हत्या पर सियासत का खेल, बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। पंजाब के बरनाला में रैली के दौरान आप सांसद भगवंत मान ने शराब छोड़ने का ऐलान किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद का विवादित बयान, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को हत्यारा बताया। एमपी के होशंगाबाद में बीजेपी सांसद उदय प्रताप का विरोध, पोस्टर लगाकर युवक कांग्रेस ने सांसद को गुमशुदा बताया। एमपी के सीहोर में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री आरिफ अकील, एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को देखकर अस्पताल प्रशासन पर भड़के मंत्री। एमपी के सागर में शौचालय न बनने से नाराज महिलाओं ने हाथ में डब्बे लेकर नगर पालिका में किया विरोध प्रदर्शन। 21 जनवरी से 25 जनवरी तक यज्ञ करेंगे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, जनता के भले के लिए यज्ञ करने का दावा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान, घाटी में सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश।
एआईएडीएमके नेता वीके शशिकला को जेल में मिल रही हैं खास सुविधाएं, आरटीआई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी मिशेल से जुड़ी याचिका पर आज होगी पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। जेल में रहते 15 मिनट तक परिजनों से बातचीत वाली याचिका को दी गई है चुनौती। कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मानहानि केस की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज। पीएम को बिच्छू बताने के बयान पर होगी सुनवाई। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केस में आरोपी है थरूर। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी ठहराए गए मनु शर्मा की याचिका पर हो सकती है सुनवाई। दिल्ली के संगम विहार में नाले की सफाई करने के दौरान फंसने से सफाई कर्मचारी की मौत। सफाई कर्मचारी की मौत से पहले उसे बाहर निकालने के लिए करीब 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दिल्ली में बाइक चोरी के अजीबोगरीब गैंग का खुलासा, टीचर और उसका छात्र गिरफ्तार, चोरी की 23 बाइक बरामद। दिल्ली पुलिस ने हथियारों के तस्कर को 20 देशी पिस्टल और 12 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के कैराना के रहने वाला है आरोपी मोहम्मद मूसा। दिल्ली पुलिस ने नेपाल की लड़कियों को खाड़ी देशों में बेचने वाले मानव तस्करी के गैंग को पकड़ा। पूछताछ में मानव तस्करों ने लड़कियों को 50 से 60 हजार रुपए में बेचने की बात कबूली। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में दहेज के लिए युवती की हत्या का आरोप, फांसी पर लटका मिला शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिव्यांग बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में कार्रवाई न होने पर परिवार का हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला को 2 लोगों ने सोना बताकर 3 लाख रुपए में बेचा पीतल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर के दून कॉलेज में हुई लाखों की डकैती में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शादी की रस्म के दौरान हुई फायरिंग में 7 साल का बच्चा जख्मी। यूपी के शाहजहांपुर में एनएसयूआई के छात्र नेता का लड़की से बदसलूकी और धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। आगरा के फतेहाबाद इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में के बाद आग लगी, 2 लोग घायल। यूपी के इटावा में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे, कांग्रेस की महिला नेता पर लगा जमीन कब्जा करने का आरोप। यूपी के गोरखपुर में बकरी चुराने आए 2 चोरों की लोगों ने पिटाई की। यूपी के बाराबंकी में 300 से ज्यादा कछुओं के साथ 2 महिला तस्करों समेत 3 गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में युवती की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग, रेलवे ट्रैक पर मिला था शव, परिवार ने हत्या का शक जताया। बिहार के छपरा में 5 दिन बाद भी गायब बच्चे का सुराग नहीं, पतंग खरीदने घर से निकला था बच्चा। बिहार के पूर्वी चंपारण इलाके में घर में सो रहे 2 लोगों की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। बिहार के बक्सर में ट्यूशन जा रहे 12 साल के छात्र की ट्रक की चपेट में आने से मौत। एमपी के झाबुआ में पुलिस ने 41 लाख रुपए के पुराने 500 रुपए के नोट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के विकासनगर में अपहरण के बाद युवक की हत्या। जम्मू में रोपवे प्रोजेक्ट के सेफ्टी ट्रायल के दौरान हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत। गुजरात के वडोदरा में पहले अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या की, बाद में ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। गुजरात के बनासकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। एमपी के विदिशा में सेना की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 1 युवक की मौत। एमपी के गुना के पिपरिया गांव में जमीन विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को मारी गोली, पिता की मौके पर मौत, आरोपियों की तलाश जारी। एमपी के मंदसौर में टायर फैक्ट्री में लगी आग में 6 मजदूर झुलसे, फायर ब्रिगेड की टीम ने 10 मजदूरों की जान बचाई। महाराष्ट्र के थाने में नाबालिग पर पड़ोस में रहने वाली 2 साल की बच्ची की हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में कैदी की मौत के बाद बवाल, परिवार वालों ने किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई में जल्लीकट्टू खेल के दौरान 2 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी। गणतंत्र दिवस पर पिछले साल हुई हिंसा के बाद यूपी के कासगंज में जारी किया गया अलर्ट, इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सालों से आम्रपाली बिल्डर से घर नहीं मिलने से परेशान लोगों ने निकाला मार्च, बीजेपी विधायक पंकज सिंह के दफ्तर के सामने धरना दिया।
हर साल बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार देने वाले संगठन ICCW ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के धन के गबन के आरोपों से इनकार किया। न्यूजीलैंड से वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया ऑकलैंड पहुंची, आज खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच परसों से 5 वनडे की सीरीज, पहला वनडे नेपियर में होगा, फरवरी में 3 T20 की सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान क्लार्क ने कोहली को वनडे का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताया, बोले विराट के जुनून का कोई जवाब नहीं। दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन की PCB जांच करवाएगा, दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान 3 टेस्ट हार गया था। पाकिस्तान के लाहौर में फर्जी एनकाउंटर पर बवाल जारी, आतंकी समझकर मारी पति पत्नी और बच्चे को गोली, 2 बच्चों ने कार की डिग्गी में छिपकर बचाई थी जान, 16 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार। भारत और पाकिस्तान के बीच कैलेंडर से शांति का संदेश दिया गया। पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने इमरान खान से की मुलाकात, इमरान को बदलाव के प्रति जिम्मेदार नेता बताया। इंस्टाग्राम ने कहा कि वो ट्रंप से आग्रह करते हैं कि पाक अफगान युद्ध को खत्म करने के लिए वो दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात के लिए योजना बनाएं। अमेरिका में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।